पीएम मोदी कल से 3 दिन की विदेश यात्रा पर रहने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर जाएंगे, जो 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा होगी। वहीं पोलैंड के बाद वो 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं, जो किसी भी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा होने वाली है। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर वहां पर जा रहे हैं। 23 अगस्त को पीएम मोदी और जेलेंस्की की अहम मुलाकात होगी। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज भारत और जापान के बीच जो है 2+2 डायलॉग होने वाला है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए जापान के रक्षा और विदेश मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। जापान और भारत के बीच 2+2 डायलॉग का ये तीसरा संस्करण है, जिसमें देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई इनिशिएटिव पर चर्चा की जाती है। और अब आपको केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए होने जा रही भर्तियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसको लेकर विवाद तेज हो चुका है। मोदी सरकार ने 2018 में इसे लागू किया था और एक बार फिर से लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में सबसे आगे राहुल गांधी। उनका आरोप है कि मोदी सरकार लेटरल एंट्री से भर्ती के जरिए एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण को छीनना चाहती है, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। लेटरल एंट्री पर सियासी संग्राम। हिपोक्रेसी के कारण जो आपका दलित प्रेम वंचित प्रेम जागता है, उससे हम भली भांति अवगत हैं। लोगों को भ्रम में डालना बंद करिए। ये सीधा सीधा हमला आरक्षण पर है, संविधान पर है। केंद्र के 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। विपक्ष बोला खतरे में आरक्षण। केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार के इस फैसले से एससी एसटी और ओबीसी का हक छीना जा रहा है। इस पूरे विवाद को हवा दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद, जिनकी पार्टी की सरकार में सबसे पहले लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की अवधारणा लाई गई थी। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर किस तरह सियासत कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का वो पोस्ट देखिए, जो आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। लेटरल एंट्री दलित ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी के रामराज्य का विकृत संस्करण, संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं के अलावा एनडी गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियां भी इसी तरह की बयानबाजी कर रही हैं और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती से आरक्षण को बहुत बड़ा खतरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट देखिए, बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। यदि बीजेपी सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके जवाब में अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेटरल एंट्री पर विवाद खड़ा करने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड साफ जाहिर है। लेटरल एंट्री की अवधारणा को यूपीए सरकार ही लेकर आई थी। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में यूपीए सरकार के दौरान स्थापित किया गया था।
जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। यूपीए के बनाए एआरसी ने उन पदों को भरने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत बताई थी, जहां अलग तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। एनडीए सरकार ने इसी सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका अपनाया और यूपीएससी के माध्यम से निष्पक्ष भर्ती होगी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी 2005 में स्थापित किया गया था जब यूपीए सत्ता में थी। यूपीएससी ने 17 अगस्त को इन 45 पदों के लिए आवेदन जारी किया, जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी, 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल हैं। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना है, लेकिन इसको लेकर विवाद लगातार जारी है। शर्मा जी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं, उसका एक एमपी जीता शर्मा जी को उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शिडूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शिडूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं। ये सरकार इतना आरक्षण के खिलाफ क्यों? क्यों चोर दरवाजे से आरक्षण समाप्त करना चाहती है? को आईएएस या किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर भरोसा नहीं रहा। मैं इसके विरुद्ध सख्त रूप से कहना चाहता हूं, यह भारत की प्रशासनिक सेवा से खिलवाड़ है।